नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल फर्स्ट ग्रेड की फिर से क्लास डाली थी और आज संडे है और आज भी क्लास वापस अपन लेकर आ गए हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से अपन चल रहे हैं। और लगभग मैं समझता हूं कि इस तरीके से यदि आप याद कर लेते हो और बढ़िया तरीके से इतना मैटर भी आप याद कर लेते हो, आप बहुत अच्छी पोजिशन में होंगे। अब याद आपको करना है, मैं पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, सामान्य ज्ञान में वैसे समझने जैसा ऐसा ही होता है कि इस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि क्या किस कैसी स्थिति रही होगी, इतिहास में क्या कैसे चला होगा। तो ये इतिहास वाला विषय है जो मेरा सब्जेक्ट रहा हुआ है, तो आप लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज साथियों अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो अपना नया टॉपिक है, भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रभाव। जब भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रभाव बढ़ा तो वो बृहत्तर भारत कहलाता था, या आप कह सकते हो ग्रेटर इंडिया। ठीक है, वो बृहत्तर भारत कहलाता था। अपन नक्शे पे भी समझेंगे आज इसको व्यवस्थित तरीके से कि किस तरीके से प्रभाव पड़ा था। बौद्ध संप्रदाय का प्रभाव बहुत पड़ा था भारतीय संस्कृति को व्यापक बनाने में, विस्तृत करने में। तो कल शायद आवाज की थोड़ी सी समस्या थी, इको वाली बता रहे थे, तो इको का तो ऐसा है कि कमरा खाली है तो हो सकता है कि गूंज रही हो। हालांकि माइक जो है वो नॉइज कैंसलेशन वाला बहुत बेहतरीन है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कल शायद, मुझे ये लग रहा है, आज मैंने माइक चेंज किया आज वैसे, कल मुझे ये लग रहा है कि शायद उसकी बैटरी शायद लो होने लग गई थी, इसलिए, क्योंकि काफी समय से यूज हो रहा था तो मैंने माइक चेंज कर दिया है। तो शायद ये मेरे ख्याल से, मैं चेक कर लूंगा इसे, आवाज की कोई समस्या नहीं रहेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से कोई भी समस्या आपके लिए रहे, मैं बेहतर से बेहतर क्लास आपको देना चाहता हूँ जो कर भी रहे हैं। चलिए साथियों, बातें होती रहेगी, अपन क्लास को शुरू करते हैं आज की। अब देखो आज का अपना जो टॉपिक है साथियों वो है भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार और प्रभाव। ठीक है ना, मैं आपको आज नक्शे पे भी समझाऊंगा आपको कि ये सारी चीजें कहाँ थी और किस तरीके से ये फैला है, वो सारी चीज बताएंगे। बिल्कुल मेरी तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि ये वैसे टॉपिक ऐसा है कि मतलब पढ़ते समय बोरियत सी लगती है, बोर होते हैं और याद नहीं हो पाती, इस कारण मैं कोशिश करूंगा कि आपका इंटरेस्ट इसके प्रति जगा पाऊं। सबसे पहले साथियों आपको एक शब्द समझना है जो आता है बृहत्तर भारत की। बृहत्तर भारत क्या है? जब भी संस्कृति का प्रचार प्रसार आप पढ़ेंगे तो आपको बार बार सुनने को मिलेगा बृहत्तर भारत, बृहत भारत, ऐसा। तो बृहत भारत, बृहत्तर भारत क्या है? देखो, अखंड भारत, और इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। अखंड भारत में वे क्षेत्र थे जो भारत से जुड़े हुए थे और बाद में धीरे धीरे भारत से टूटकर अलग हुए, ठीक है ना, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह ये। लेकिन बृहत्तर भारत में वो चीजें आती है कि जहां तक भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, राजनीति का, इन सब का प्रचार प्रसार हुआ, वह कहलाती है आपके बृहत्तर भारत। अब देखो यही चीज है कि बृहत्तर भारत क्या? भारतीय राजनीति, सभ्यता, संस्कृति आदि का आसपास के विशाल देशों में, ठीक है ना, जो फैला हुआ रूप था वो आपका बृहत्तर भारत कहलाता था। यानी कि मुख्य रूप से आपके, आप कह सकते हो कि सभ्यता और संस्कृति का जो प्रसार प्रसार जहां तक फैला था, जहां तक पहुंच पहुंच हुई थी, वह आपका बृहत्तर भारत कहलाता है। तो यहां से एक चीज ये क्लियर हो जाएगी आपके कि बृहत्तर भारत क्या है। अब यदि बृहत्तर भारत को बांटा जाए साथियों, भौगोलिक रूप से बांटा जाए, तो इसे तीन भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है, कि भारत का संबंध किन किन क्षेत्रों से रहा होगा। तो तीन भागों में विश्व में अपन बांट सकते हैं, जिसमें से आपके आ जाता है एक, तो सबसे नंबर एक, भारत का उत्तर और उत्तर पूर्व देशों के साथ संबंध। भारत का उत्तर यानी ऊपर का क्षेत्र और उत्तर पूर्व देशों के साथ में संबंध, जिसमें आपके आ जाएगा एक तो चीन, तिब्बत, तिब्बत निकटस्थ पड़ोसी देश था, ठीक है, जापान, कोरिया, मंगोलिया आदि, ये सब जहां पे ये फैला है। और आज अपन इसको पढ़ेंगे व्यवस्थित तरीके से, इस चीज को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगली क्लास जो आएगी उसमें अपन इन दोनों चीजों को पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर क्लास लंबी हो रही है। क्लास तो देखो लंबी होनी है, और क्योंकि अपन सही समय पर, वैसे सही हो रही है, कोई ज्यादा लंबी भी नहीं है, दो दो घंटे की नहीं हो रही अपनी, जितना मैटर आपको चाहिए। मेरे दिमाग में पूरा कैलकुलेशन रहता है कि कितना किस समय देना है। तो मेरे ख्याल से बेहतर है आप बेहतर से बेहतर नोट्स बनाइए, ये नोट्स मेकिंग पैटर्न है। आपको 8-10 किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं पूरी आपके लिए मेहनत करके दे रहा हूँ, आपको तो सिर्फ नोट्स बनाने हैं और उन्हें याद कर लेने। अब देखो क्या है, भारत के दक्षिण और दक्षिण पूर्व के देश, ये उत्तर और उत्तर पूर्व के देश थे, हैं? चलिए आपको मैं यहां बता देता हूं, थोड़ा सा ऐसे ही अपन बना के बता देते हैं। मान लीजिए ये कौन सा था, यदि देखते हैं
भारत के उत्तर और उत्तर पूर्व के देश यानी कि ये वाला क्षेत्र आ गया, ठीक है। फिर दक्षिण और दक्षिण पूर्व के देश यानी ये वाला क्षेत्र आया, और वहां पे आएगा अपने क्या कहते हैं मध्य एशिया यानी कि ये ऊपर वाला क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, ताकि अपन इस चीज को आपके ये क्लियर हो सके। मैंने एक बार समझाने की कोशिश की साहब आपको, ठीक है। अब देखो दक्षिण और दक्षिण पूर्व के देश में आ जाएंगे आपके श्रीलंका, बर्मा, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अंदर बहुत सारे द्वीप समूह है, तो इसमें देखो जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, मुख्य रूप से ये चार बड़े बड़े द्वीप जो है यहाँ पे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। इसके अलावा ये सारे दक्षिण और दक्षिण पूर्व के देश थे जहां पे भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मध्य एशिया की यदि बात करते हैं तो उसमें बुखारा, समरकंद, कुची, यारकंद, कासगर, तूरफान, खोतान, काराशहर आदि। अब ये जो क्षेत्र है ना, कई विद्यार्थियों के लिए ये पता नहीं है कि इसकी लोकेशन क्या होती है, ये कैसे है, किस तरीके से ये है, तो ये पता नहीं होता है। मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ आए हुए हैं, किस तरीके से आपको याद करना है। यही चीज मैं आपको चलिए मैप पर लेके जाता हूं अब कि ये कहाँ है, अपन समझते हैं इस चीज को, ठीक है। सबसे पहले अपन आ जाते हैं विश्व के नक्शे पे। ये विश्व का नक्शा आपको दिख रहा है, मैं भी देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर, तो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये विश्व का नक्शा दिख रहा है ना, इस विश्व के नक्शे में से कुछ देश अपन, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कुछ जो है अंदर छोटे मोटे वो नहीं दे रखे हैं, लेकिन कुछ जो देश आप देख पा रहे हो तो उसमें देखो एक तो आएगा आपके चीन, ठीक है, चीन आ गया। एक पड़ा अपन ने मंगोलिया, ठीक है ना, ये जापान यहाँ आया हुआ है और कोरिया यहाँ आया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ये जापान यहाँ है, मतलब इसका प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ फैला है वो देखना, ठीक है। इंडोनेशिया के द्वीप समूह यहाँ पे आपके आ गए हैं, ठीक है। और देखिए कंबोडिया ये रहा आपका, ये कंबोडिया, ठीक है। और बर्मा यानी म्यांमार यहाँ पे है, तिब्बत आपका ये इस क्षेत्र में आता है, ठीक है, यहाँ पे नेपाल के ऊपर की तरफ आपके तिब्बत आ जाता है। फिर ये उज्बेकिस्तान और ये वाला जो क्षेत्र है वो आपका मध्य एशिया वाला क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है वो मध्य एशिया वाला क्षेत्र है जिसके अंदर अपन अभी पढ़े हैं बुखारा, तूरफान वगैरह, वो सब वहां यहाँ पे आपके आएंगे, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। एक बार मतलब आप ये चीजें ध्यान में रखें कि ये यहाँ पे है, ठीक है, विश्व के नक्शे में, क्योंकि आज अपन जो पढ़ेंगे उसमें आपके चीन, कोरिया, जापान ये चीजें आएगी, कवर होगी, तो इन चीजों को आप व्यवस्थित तरीके से अपने दिमाग में फिट कर देना कि यहाँ पे ये है। और भारत तो ये आपको पता ही है कि यहाँ पे है, ठीक है ना, श्रीलंका ये रहा, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे, ये चीज आपके व्यवस्थित तरीके से दिमाग में नक्शा बैठ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब अपन मैं आपको दूसरे इमेज पर लेके जाता हूं जहां से आप और भी अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि कहां पे क्या चीज है, ठीक है। अब देखो साथियों एक मिनट, अब देखो, अब ये जो है ना, वैसे ये सिल्क रूट है, ठीक है ना, ये सिल्क रोड है, रेशम मार्ग जिसे कहते हैं, जो प्राचीन काल में चाइना से जुड़े हुए थे पूरे के पूरे, ठीक है। चाइना जो है रेशम उत्पादन में, और चाइना से जुड़ा हुआ रेशम मार्ग था। अब इसमें देखो आप देख पाओगे तो इंडिया की लोकेशन आपको पता चल रही है, उसके बाद में आप देख पाओगे तो ये खोतान है, ठीक है, ये यारकंद है। मैं थोड़ी सी पेन को चेंज कर देता हूं ताकि आपके थोड़ा बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये कुचा लिखा हुआ है, कुची जो आपने पढ़ा वो है, ये तूरफान है, ठीक है ना। अब देखो ये सारी चीजें आपके आगे इसमें, और इसके अलावा ये समरकंद, ये बुखारा, ठीक है ना, ये देखिए इस तरीके से, ये कासगर। तो इस नक्शे से आपको समझ में आ रहा है कि अब देखो ये मध्य एशिया वाला भाग पूरा कवर हो रहा है, ये जो भाग है ना, ये मध्य एशिया वाला पूरा भाग कवर हो रहा है। तो मध्य एशिया के अंदर अपन इस चीज को पढ़ेंगे, और यहाँ पे अपने अभी ये तो देख लिया है कि उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के क्षेत्र अपन ने देखे। चलिए मैं आपको एक नक्शा और बताना चाहूंगा यहाँ पे जो मैंने ऐड कर रखा है। हाँ, अब देखिए शादी, इसमें क्या है कि ये जो तिब्बत निकटस्थ देश अभी मैंने बताया ना जो है वो तिब्बत आ गया, यानी कि अभी इस तिब्बत को अपन पढ़ेंगे व्यवस्थित तरीके से। ये भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है। इसके ऊपर की तरफ जो थे वो तूरफान और वो सारी चीजें थी। ये बर्मा आ गया आपके, ठीक है। यहाँ पे ये जो है इंडोनेशिया द्वीप समूह पूरा का पूरा आ गया। ये श्रीलंका आ गया। ये मलेशिया है, देखो यहाँ पे ये आप देख पा रहे हो, ये मलेशिया आ गया आपके। तो ये यदि देखा जाए, अब ये जो है आपका बृहत्तर भारत वाला क्षेत्र जो कहा जाता है ना, देखो अखंड भारत और बृहत्तर भारत में अंतर ये तो है। अखंड भारत के अंदर तो जो इससे देश टूट कर अलग हुए
उससे पहले जो भारत की स्थिति थी वो बृहत्तर, वो अखंड भारत था। बृहत्तर भारत की यदि विश्व के नक्शे पर स्थिति देखी जाए तो ये आप देख पा रहे हो, ये बृहत्तर भारत यानी कि भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार जहां जहां हुआ वो बृहत्तर भारत आपके कहलाया है। तो ये विश्व के नक्शे में आप इस तरीके से देख पा रहे हो और वही चीज आपके, ये चीज यहाँ पे मैंने आपको बता रखी है। तो मेरे ख्याल से अब स्थिति आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अब आप मैप से ये चीज समझ चुके हो कि कहाँ पे क्या चीज है। उसके बाद में आप अपन को फैक्ट पढ़ने हैं और जानकारी जुटानी है कि कहाँ कहाँ किस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ, कौन से बौद्ध भिक्षुओं को भारत से बुलाया, कौन से बौद्ध भिक्षु वहां से भारतीय संस्कृति को जानने के लिए आए, कौन से राजा ने बुलाया, ये सारी चीजें अब अपन को समझनी है। तो यहां तक मेरे ख्याल से अब स्थिति आपके क्लियर है, ठीक है ना। तो अब अपन आगे बढ़ सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जैसे आपने देखो डिजिटल बोर्ड के बाद मैंने कहा था क्रांति आएगी, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मतलब क्लास का स्तर उठाया जाए और आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाए, तो कुल मिला के आपके समझ में बढ़िया तरीके से आएगा। हालांकि आज मेरे को एक कमी इसमें लगी है जो मैं भूल गया हूँ, इसको जो है 69 के रेशियो पर करना था, इसीलिए ये साइड में बॉर्डर आ रही है, 69 के रेशियो पर किया नहीं और ये सीधा ही आज मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड दे दी है। तो चलिए इसको अगली क्लास में, हालांकि इतना छोटा नहीं दिखेगा, बढ़िया तरीके से दिखेगा, कोई समस्या वैसे होगी नहीं, इसीलिए ये साइड की पट्टी अब मेरे दिमाग में आया कि अच्छा ये इस वजह से हो रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब देखो क्या है, अब अपन पढ़ते हैं। सर्वप्रथम वृहद भारत की अवधारणा कहां मिलती है, मत्स्य पुराण के अंदर मिलती है, ठीक है। प्रश्न बनते हैं यहां से कि वृहद भारत की सर्वप्रथम अवधारणा कहां से मिली, मत्स्य पुराण के अंदर में मिली है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी, प्रयाग प्रशस्ति हरिशयन, ठीक है, हरिशयन था इसका रचयिता। और किसके समय लिखी गई थी, समुद्रगुप्त, किसके समय लिखी गई थी, समुद्र गुप्त के समय, चंपू शैली में जिसमें गद्य पद्य दोनों शामिल होते हैं वही प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति में इसके लिए सर्वदीप समूह शब्द का प्रयोग किया गया है, किसका प्रयोग किया गया है, सर्वदीप समूह शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब बृहद भारत के लिए ही अलग अलग शब्द प्रयोग हुए हैं, वो चीज बताई गई है, ठीक है। जातक ग्रंथों में यानी जातक ग्रंथों के अंदर देखो सुवर्ण दीप कहा गया है, सुवर्ण दीप कहा गया है जातक ग्रंथों में सुवर्ण दीप। प्रयाग प्रशस्ति के अंदर इसके लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वह सर्वदीप और यहाँ पे सुवर्ण दीप, ठीक है। और सबसे पहले मत्स्य पुराण के अंदर उल्लेख मिलता है। बृहत्तर भारत का सर्वप्रथम प्रयोग, बृहत्तर भारत नाम से ही शब्द का, इस शब्द का, ठीक है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया वो राधा कुमुद मुखर्जी ने किया, आर के मुखर्जी कह सकते हो आप, राधा कुमुद मुखर्जी ने इसका प्रयोग सबसे पहले किया था, ठीक है साथियों। अब देखो बृहद भारत की अवधारणा पूरी हुई मतलब गुप्त काल में जाकर पूर्ण हो गई थी, बृहद भारत की जो अवधारणा थी गुप्त काल में जाकर पूर्ण हो गई, क्योंकि उस समय जो है वो देखने में मिलता है इसका प्रचार प्रसार उस तरीके से, ठीक है। तो यह कुछ तथ्य है जो आपको सीधे ही याद करने हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं अपन। बृहत्तर भारत में संस्कृति प्रसार हेतु सर्वाधिक योगदान बौद्ध धर्मावलंबियों का रहा, देखो सर्वाधिक बौद्ध धर्मावलंबियों का रहा है, लेकिन इनके साथ साथ शैव और वैष्णव, शैव शिव से संबंधित और वैष्णव जो है विष्णु से संबंधित, लेकिन सबसे ज्यादा यदि पूछा जाए तो बौद्ध धर्मावलंबियों का रहा है, और उसके बाद में यदि बात की जाए तो शैव और वैष्णव धर्म के लोगों का भी इस भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में भूमिका रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। भारत का उत्तर और उत्तर पूर्व के देशों के साथ में संबंध, ये अलग से मतलब पूरा अपन ने अब जो वर्गीकरण अभी पीछे की स्लाइड में किया था उसको अब अपन यहां से पढ़ते हैं व्यवस्थित। तो उसमें सबसे पहला अपन जो लेते हैं देश वो है आपके तिब्बत, ठीक है, सबसे पहला जो देश उठा रहे हैं वो तिब्बत। अभी अपने नक्शे में देख लिया सबसे निकटस्थ देश जो था वो तिब्बत था, तो सबसे निकट है 7वीं-8वीं सदी में यहां का राजा जो था, यहां का शासक जो था वो सन गैम्पो था, बहुत इंपोर्टेंट नाम है, इसने बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, सन गैम्पो जो था इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो सन गैम्पो जो था ना उसने देखो यहाँ पे बौद्ध धर्म ग्रहण किया, और इस सन गैम्पो ने नालंदा से शांतरक्षित और उदयंत, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से विश्वविद्यालय से कौन से महात्मा को बौद्ध विद्वान को बुलाया था इन्होंने, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नालंदा से तो शांतरक्षित को और पद्म संभव को आपके बुला दिया इसने उदयंतपुरी से, है ना,
बता देता हूं एक मिनट आपको, उदयनपुरी ये भी आपके बंगाल में है, विक्रमशिला भी बंगाल में है, पाल शासकों द्वारा स्थापित किए हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। उदयनपुरी से, नालंदा से तो शांत रक्षित को बताया बुलाया, और उदयनपुरी से आपके पद्म संभव को बुलाया, और ये पद्म संभव दूसरा बुद्ध भी कहलाया है वहां पे, ठीक है, तिब्बत में दूसरा बुद्ध या तिब्बत का बुद्ध कह सकते हो, तो इनको तिब्बत आमंत्रित इन्होंने किया था। अब शांत रक्षित जो है उसको वहां का प्रधान धर्माधिकारी और महापुरोहित नियुक्त कर दिया, बहुत बड़े पद पर, यानी कि ये विद्वान तो थे और इन विद्वानों की वहां पे मतलब इतना आदर सत्कार दिया और वहां पे इनको सम्मानित किया गया। तिब्बत का बुद्ध या दूसरा बुद्ध, वैसे दूसरा बुद्ध तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन तिब्बत का बुद्ध यदि पूछा जाए तो पद्म संभव को कहा गया है। किसे? पद्म संभव, जिसे उदयंतपुरी से बुलाया गया था, तो पद्म संभव को दूसरा बुद्ध कहा गया। और ये रिनपोचे जो लिखा हुआ है वह भी पद्म संभव का ही नाम था। किसका नाम था? पद्म संभव का उपनाम, या वहां पे इसे जो है रिनपोचे नाम से जाना गया। ये भी पद्म संभव का ही नाम था, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब देखो साथियों, विक्रमशिला के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान दीपंकर श्री ज्ञान अतीसा, अपन ने पढ़ा था पूरा नाम दीपंकर श्री ज्ञान अतीसा, जो मैंने पहले ही पहले लिखवाया था विक्रमशिला के अंदर, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दीपंकर श्री ज्ञान अतीसा 13 वर्ष तक तिब्बत में रहे, तिब्बत से त से 13 या लेना, या फिर ऐसे याद नहीं रहे तो दीपंकर लिखते हैं, तो उससे पहले दीपंकर लिखने से पहले अपन दीपक लिखते हैं, और दीपक साथियों कब जलाते हैं? अपन दीपावली के समय जलाते हैं, और दीपावली अपन क्यों मनाते हैं? कि राम जी वनवास से लौटे थे। राम जी वनवास कितने साल रहे थे? 14 साल रहे थे, 14 से 1 कम अपने ये तिब्बत में रहे हैं 13 वर्ष, ठीक है। तो दीपंकर श्री ज्ञान अतीस 13 वर्ष तिब्बत में रहे हैं, याद हुआ कि नहीं? याद हो जाएगा बिल्कुल। अब यदि ये पूछ लिया जाए तिब्बत कौन कौन गए थे, तो देखो दीपंकर श्री ज्ञान अतीस गए, शांत रक्षित गए, और पद्म संभव गए हैं, ठीक है। ये मोस्ट मोस्ट जो सवाल आपके बनते हैं उसमें ये है। अब देखो वैसे पढ़ने जाओगे ना किताब में तो बोरिंग लगता है ये, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी आएगा और हाथों हाथ याद भी हो जाएगा, कि ऐसा टॉपिक जो हम अक्सर छोड़ देते हैं कई बार याद करने से, वह चीज भी हम यहाँ पे याद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अच्छा समझ में आ रहा होगा आपको। अब अपन आ जाते हैं चीन, चाइना चलते हैं। चाइना का तो बहुत संबंध ज्यादा रहा है बौद्ध धर्मावलंबियों से संबंधित। तो देखो चीन के साथ भारत के संबंधों की जानकारी महाभारत और मनुस्मृति से मिलती है, यानी उस समय से मिल रही है कि चीन के साथ में भारत के संबंध रहे हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र में चीनी रेशम का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र किसकी रचना थी? चाणक्य की। चाणक्य कह दो, चाहे कौटिल्य कह दो, चाहे विष्णुगुप्त कह दो, ये एक ही है। तो अर्थशास्त्र में चीनी रेशम का उल्लेख मिलता है, और रेशम रूट मतलब रेशम मार्ग जो है वो अपने सिल्क रूट जो है वो चीन से ही रेशम का मतलब क्या कहते हैं कि आविष्कार हुआ, वहीं से चला है सब कुछ। देखो अब आगे बढ़ते हैं। चीनी सम्राट मिंग ती, क्या नाम था? मिंग ती भारत से धर्म रत्न और कश्यप मातंग, दो अक्षर दो याद रखने हैं आपको, धर्म रत्न और कश्यप मातंग। अब मिंग और मातंग एक जैसे नाम है तो याद हो जाएगा, मिंग ती ने कश्यप मातंग को और धर्म रत्न नामक बौद्ध भिक्षुओं को चीन बुलाया था, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। क्या है? मिंग ने मातंग को बुलाया, और साथ में किस लिए बुलाया? धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो धर्म रत्न को भी साथ में बुलाया, ठीक है, इस तरीके से याद करना आप, याद हो जाएगा इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो धर्म रत्न और मातंग के बाद एशिया, जैसे ये धर्म रत्न और मातंग के प्रभाव से है ना मिंग ती ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, ठीक है, कश्यप मातंग के प्रभाव से और इनसे। तो धर्म रत्न और मातंग के बाद मध्य एशिया से लोकोत्तम, संघभद्र और धर्म रक्षक आदि चीन गए, ठीक है, मध्य एशिया से गए थे ये भी, जब अपने यहां से इनको कश्यप मातंग और धर्मरत्न को बुलाया, उसके बाद में ये भी मध्य एशिया से चीन जाते हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारे विद्वान थे जो बाद में चीन गए हैं, ठीक है ना, सिर्फ यही नहीं गए और भी गए। अब कुची से, जहां पे कुचा लिखा हुआ था वो अपने अभी नक्शे में देखा था, कुची से कुमार द्वीप, वैसे कुची से भी बहुत जने गए लेकिन कुमार द्वीप का विशेष महत्व था, ठीक है ना। तो कुची से कुमार द्वीप बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कहां पे? चाइना के अंदर गए। कहां से? कुची से। कौन गए? कुमार द्वीप, ठीक है। कुमार द्वीप ने देखो चीनी भाषा में महायान दर्शन की व्याख्या की, महायान दर्शन की व्याख्या की, और इन्होंने चीनी से बौद्ध और बौद्ध धर्मों का चीनी भाषा में बहुत ज्यादा इन्होंने रूपांतरित किया,
यानी अनुवाद बहुत किया इन्होंने कुमार जीव ने, ठीक है ना, लगभग 100 ग्रंथों का अनुवाद किया इन्होंने। 12 वर्षों में लगभग 100 से अधिक बौद्ध ग्रंथों का चीनी अनुवाद किया। ये देखो एक अपने आप में कितनी काबिलियत है, पहले ये कुछ ही से चाइना गए, उसके बाद में इन्होंने चाइना भाषा सीखी होगी पूरी पूरी, अपन देखते हैं ना तो अधिक प्लस माइनस भाग गुणा परसेंट ऐसी दिखती है चाइनीज भाषा, है ना, चाइनीज कोरियाई कोई समझ में कुछ भी नहीं आता, मतलब चौकोर चौकोर खाने बने होते हैं, बीच बीच में काटे हुए, कहीं खड़ी लाइन कहीं आड़ी लाइन, समझ में अपने कुछ बैठता नहीं है। लेकिन इन्होंने देखो पहले वहां जाकर सीखी है, उसके बाद में बौद्ध ग्रंथों का चीनी अनुवाद किया है, बहुत बड़ा काम है, वो भी मात्र 12 वर्षों के अंदर। तो कुमार जीव की फिर वहां पे वैल्यू बढ़नी बढ़नी है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो चीन से कौन आए, फायान हैनसांग और इत्सिंग। और फायान और हैनसांग को तो अपन ने खूब पढ़ा है वैसे, और पढ़ते भी हैं, जगह जगह सुनते हैं कि फायान हैनसांग ने भीनमाल को ये कहा, फायान ने उसको ये कहा, दासों का वर्णन ऐसे किया नहीं किया, ये सारी चीजें। फायान जो है आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया, हैनसांग हर्षवर्धन के समय आया, इत्सिंग उनके भी विवाद में आया, जिसने 56 बौद्ध यात्रियों की यात्रा तीर्थ यात्रा का विवरण लिखा है। इत्सिंग का मैं फोटो बताऊंगा वैसे आपको अभी आगे, तो ये आए थे। उसके बाद में देखो 7वीं शताब्दी में चीन में बौद्ध धर्म का स्वर्ण युग था। वैसे देखा जाए तो उत्थान जो शुरू हो गया था वो 4वीं शताब्दी से हो गया था, ठीक है ना, 4वीं सदी में बहुत तेजी आ गई थी यहाँ पे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की। लेकिन 7वीं शताब्दी में चीन में स्वर्ण युग माना जाता है बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है ना। इत्सिंग ने क्या किया, इत्सिंग ने संस्कृत चीनी शब्दकोश की रचना की, संस्कृत और चीनी डिक्शनरी कह सकते हो, शब्दकोश को आप क्या कह सकते हो, संस्कृत से डायरेक्ट ट्रांसलेट चीनी में अर्थ क्या होता है इसका, तो इस तरीके से इसने इत्सिंग ने यहाँ पे ये की थी, ठीक है ना। अंतिम रूप से भारत से चीन जाने वाले, हालांकि इस बीच में बहुत जने गए, भारत से भी गए, पाटलिपुत्र से गए, दूसरी जगह से और जगह से बहुत गए, लेकिन अंतिम रूप से गए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अंतिम रूप से धर्मदेव 973 ईस्वी में और मंजूश्री और ज्ञानश्री 1053 ईस्वी में यहां से चीन जाते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, जिसकी जानकारी हमें मिलती है। तो ये यहाँ पे आपको इतनी चीजें तो ध्यान रखनी ही रखनी है चाइना से संबंधित, ठीक है। तो अपना चाइना से संबंधित प्रचार प्रसार वाला हो गया, साथ ही साथ अपना तिब्बत वाला भी हो गया कि तिब्बत में कैसे कैसे, यानी कि अपन ने उत्तर और उत्तर पूर्व के देशों को ले रहे हैं, तो वहां पे अपने जापान और कोरिया भी आते हैं। ज्यादा जानकारी नहीं है, कम है, लेकिन पढ़नी जरूरी है। तो अब अपन उसी तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो आप भाई साहब फोटो देख रहे हो, ये है आपके इत्सिंग, कौन है इत्सिंग, ठीक है, ये इत्सिंग है। ये देखो यहां पे लिखा भी लिख भी रखा है इत्सिंग का। और ये जो है जापान और कोरिया से संबंधित भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। अब देखो कोरिया और जापान में धर्म प्रचार, मैं सबसे पहले तो आपको विश्व के नक्शे पे इसकी स्थिति पता हो चुकी है, ठीक है, पास पास ही है दोनों। तो सबसे पहले जो है बौद्ध धर्म कोरिया पहुंचता है, कोरिया से फिर जापान पहुंचता है, कभी क्रम पूछ ले तो भी ध्यान रखना, पहले चीन, चीन से फिर कोरिया, कोरिया से फिर जापान, ठीक है, इस तरीके से। फिर आदमी कोई जा रहा है तो रूट तो कवर करता हुआ जाएगा ना, तो धर्म ऐसे डायरेक्ट तो फैला नहीं है उस समय, कोई व्हाट्सएप फेसबुक टेलीग्राम ट्विटर वगैरह तो थे नहीं, व्यक्ति ही जाते थे और फिर बताते थे, और इसी तरीके से कम्युनिकेशन होता था, आदान प्रदान होता था विचारों का। तो ये चीज है तो उस तरीके से फैली, ठीक है। यहाँ पे देखो 4वीं शताब्दी के अंदर बौद्ध धर्म कोरिया पहुंचा। मैंने अभी आपको बताया है आगे कि चीन में 4वीं शताब्दी में बहुत तेजी आई, जब तेजी आई कोई भी मतलब तेजी आती है तो फैलता है वो, तो जब तेजी आई तभी यहाँ पे 4वीं शताब्दी में कोरिया में भी ये चीज पहुंच गई। अब कोरियाई भिक्षुओं के भारत आने की जानकारी इत्सिंग देता है, जब किसी को पता चलता है ना कि ये चीज वहां से ऐसे बन रही है, वहां ऐसे आ रही है, तो कोई भी व्यक्ति मूल का पता लगाने की कोशिश करता है कि ये मूल कहां से आई है, भाई हमको तो वाया वाया इन्होंने बताया है लेकिन मूल कहां से है। तो कोरिया वालों को भी पता चला कि बौद्ध धर्म ऐसा है, तो इन्होंने भी भगवान बुद्ध के जो है मूल स्थान और उनसे संबंधित जानकारी जुटाने के लिए तो यहाँ पे भी भिक्षु इन्होंने भेजे थे, जिनकी जानकारी कौन देता है, इत्सिंग देता है। वैसे इत्सिंग ने 56 बौद्ध भिक्षुओं की यात्रा का विवरण दिया है, ठीक है ना। तो ये चीज आप यहां से समझ रहे हो, मतलब इस चीज को समझने की आवश्यकता है, इसे रटा नहीं जा सकता कि ये किस तरीके से चला होगा, ये हमें समझना है। तो देखो कोरिया से ये हो गया। अब देखो कोरिया से बौद्ध धर्म कहां पहुंचता है, जापान पहुंचता है, ठीक है। भारतीय भिक्षु जिसे जापान में बौद्ध विहारों का कुलपति नियुक्त किया गया, उसका नाम था बोधिसेन। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका जापान से संबंधित।
तो जापान और कोरिया से संबंधित एक तो इनका क्रम ध्यान में रखें आप, और चौथी शताब्दी में वहां पहुंचा, और यहीं पे साथ में जापान भी कोरिया से फिर बाद में जापान पहुंचा, और जापान में बोधि सेन को ध्यान में रखना है जिसे कुलपति नियुक्त किया गया था। और इसी के साथ में आपके ये उत्तर और उत्तर पूर्व देशों में जो ये फैला है बौद्ध धर्म और इनसे संबंधित जानकारी, वो ये आपके कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आया होगा, और ये मतलब ऐसा टॉपिक है जो इंटरेस्ट अच्छी तरीके से वैसे आता नहीं है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवाने की कोशिश की है, जिसमें अपने जो ये नक्शे हैं इन्हें मैं हालांकि ये PDF शेयर कर दूंगा आपको, लेकिन ये जो नक्शे हैं ना, ये बहुत बढ़िया तरीके से आप इनको इनका अध्ययन करें, इन्हें सहेज के रखें, और क्योंकि ये छांटे हुए हैं बिल्कुल है ना, तो इन्हें सहेज के रखें, क्यों कई जो है ढूंढने के बाद में सही एक्यूरेट जो चीज़ होती है ना वो बहुत मुश्किल से मिलती है। और ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे इसमें समझाई दिया है कि बृहत्तर भारत का विस्तार कैसे है कैसे नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये विश्व का नक्शा तो वैसे सभी के काम में आता ही आता है ना, तो ये तो अपने को जानकारी होनी चाहिए कहाँ पे इसराइल है, कहाँ पे ये, हम कई जगह पढ़ते हैं मालदीव घूमने की बहुत बढ़िया जगह है, ठीक है ना, बीच वगैरह अच्छे बने हुए, तो ये पता होना चाहिए। हिंद महासागर है एम आकार का, ये देखो ऐसे विश्व जब पढ़ेंगे तब आपको ये सारे बताऊंगा, एम आकार का, एस आकार का, बहुत बढ़िया तरीके से महासागर महाद्वीप वगैरह ये पढ़ेंगे ना तब बताएंगे। तो ये नक्शों पे आपकी पकड़ होनी चाहिए कहाँ पे क्या चीज आ रही है, तो ये संभाल के रखें। और अब मिलते हैं साथियों अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।